नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। आवाज से तो आप पहचान ही चुके होंगे कि मैं कौन हूँ। जी हाँ, मैं हूँ आपकी अध्यापिका शरणजीत कौर मिलेनियम परिवार से। आज मैं आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मजेदार हिंदी की वीडियो लेकर। और आज की हमारी हिंदी की वीडियो में हम करेंगे एक नए व्यंजन की खोज। जी हाँ, आज हम करेंगे एक नए व्यंजन की खोज। और आज का हमारा नया व्यंजन है व्यंजन थ। जी हाँ, आज हम करेंगे व्यंजन थ की खोज। और व्यंजन थ की खोज करने से पहले हम थ से शुरू होने वाले शब्दों का उच्चारण करेंगे। चलिए उच्चारण शुरू करते हैं। थ से थैला। जी हाँ, थ से थैला। और थैले का इस्तेमाल हम बाजार से सामान लाने के लिए करते हैं। आप भी बोलिए थ से थैला। आगे है थ से थाली। आप भी दोहराइए मेरे पीछे, थ से थाली। और थाली का इस्तेमाल हम खाना खाने के लिए करते हैं। आप भी बोलिए थ से थाली। आगे है थ से थानेदार। आप भी बोलिए थ से थानेदार। और थानेदार चोर को पकड़ने में हमारी सहायता करता है। जी हाँ। आगे है थ से थर्मस। थ से थर्मस। और थर्मस का इस्तेमाल हम पानी भरने के लिए या चाय भरने के लिए करते हैं। चलिए इस एक्टिविटी के अगले भाग की ओर चलते हैं, जिसमें हम स्पर्श कार्ड की सहायता के साथ थ की बनावट को पहचानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये है हमारा स्पर्श कार्ड, जिस पर हम उंगली चलाते हुए थ की बनावट को पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं थ की बनावट को पहचानना। एक स्लीपिंग लाइन, छोटा सा राउंड बनाएं, फिर एक कर्व लें, एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन, बन गया थ। फिर से दोहराते हैं, छोटा सा राउंड लें, कर्व बनाएं, स्टैंडिंग लाइन लगाएं और ऊपर छोटी सी स्लीपिंग लाइन, बन गया थ। और ये है हमारी आज की कार्यपत्रिका, जिस पर हम थ वर्ण को बिंदुओं की सहायता से जोड़कर बनाएंगे। जी हाँ, थ वर्ण को बिंदुओं की सहायता से जोड़कर बनाएंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। एक राउंड बनाएं, उसके बाद एक इस तरह का कर्व बनाएं, उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर छोटी सी स्लीपिंग लाइन, बन गया थ। फिर से दोहराते हैं, राउंड, कर्व, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन और छोटी सी स्लीपिंग लाइन, बन गया थ। एक बार फिर से दोहराते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह, जिस तरह मैं कर रही हूँ।
और बन गया थ। और ये हो गई हमारी कार्य पत्रिका पूरी। बच्चों, आप भी अपनी माता पिता की सहायता के साथ ये कार्य पत्रिका पूरी करें और अपने अध्यापक के साथ साझा करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।